यहां से हम क्लिक करके अब हम किसी भी थीम पर क्लिक करेंगे तो वो थीम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो थीम जब अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर देखेंगे आप मिनिमाइज करके, तो वो पूरा आपका इन्वायरमेंट चेंज हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके हम चलते हैं आगे फॉन्ट्स वाले सेक्शन में। तो अगर आपको कोई भी फॉन्ट्स अपने विंडोज में इंस्टॉल करना है या अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है कि हम यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर एक फॉन्ट्स का ऑप्शन होता है, उस फॉन्ट्स पे क्लिक करके कोई भी नया फॉन्ट जो हम इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं हम डायरेक्टली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको इंस्टॉल कराया जा सकता है। स्टार्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके शो मोर टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइल्स नजर आने लग जाएंगे। इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से जो मोर टाइल्स है थोड़े गायब हो जाएंगे। फिर यहाँ से शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, ये जो ऐप लिस्ट आ रही है इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो अब ये आपको यहाँ नजर नहीं आएगी, क्लिक करने पे फिर नजर आएगी, ऑल ऐप्स में जाएंगे। और अगर इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन है शो यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने पर ये पूरी स्क्रीन पर आपको स्टार्ट नजर आएगा और यहाँ पे क्लिक करने पर ऑल ऐप्स पर ये आपको सारा का सारा इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके ये आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ से स्टार्ट के बाद टास्क बार पर, तो टास्क बार पे क्लिक करके नीचे ये सारा का सारा टास्क बार आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। टास्क बार लॉक है तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। हाँ, आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, इसको टॉप पे रख सकते हैं टास्क बार को, लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं टास्क बार को, इस तरह से यहाँ से चूज कर लेंगे फिर आप चीजें। और टास्क बार को आप राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको दोबारा बॉटम पे चाहते हैं तो ये बॉटम पर आ जाएगा टास्क बार। और यूज पीक एरो टू प्रीव्यू मूव योर कर्सर, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर एरो रखेंगे तो ये आपके सामने ऐसे डेस्कटॉप आ जाएगा, एरो हटाएंगे तो दोबारा से वही विंडो जो आपके सामने एक्टिवेट थी वो आपको नजर आने लग जाएगी, ठीक है। शो बैजेस का ऑप्शन ये है कि ये जो आप देख रहे होते हैं कुछ, ये जैसे इसके आगे रेड साइन आ रहा है, कुछ के आगे वो नंबर्स लिखे आ रहे होते हैं, तो बैजेस को अगर आप ऑफ कर देंगे तो वो प्रोग्रेस जो नजर आ रही है उसकी वो वहां से उसके ऊपर से गायब हो जाएगा। और अगर ऑलवेज कंबाइंड टास्क बार बटन में क्या हो रहा होता है कि जैसे यहाँ पे एक नोटपैड खोला हुआ है, एक जैसे कई सॉफ्टवेयर आपने खोल दिए या पिक्चर्स खोल दी, ठीक है, तो यहाँ से नोटपैड और यहाँ से नोटपैड और यहाँ से नोटपैड, तीन चार नोटपैड मैंने खोल दिए, तो आप देखेंगे सारे नोटपैड यहीं पर कंबाइन होके आपको नजर आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप इसको नेवर कर देंगे तो हर एक प्रोग्राम अलग अलग नजर आएगा, जिससे ये आपकी थोड़ी जगह भी ज्यादा कंज्यूम कर सकता है। और अगर इसको ऑलवेज हाइड इन लेवल्स कर देंगे तो फिर ये जब क्लिक करेंगे तो बाकी जो ओपन एप्स होंगी वो इस तरह से नजर आएंगे, इस तरह से गूगल क्रोम्स भी आपको इससे नजर आएंगे, ज्यादा खुले हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार पे क्लिक कर लें तो ये इसके बारे में कुछ आपको हेल्प दे देगा। और सिलेक्ट विच आइकन अपियर ऑन टास्क बार, तो यहाँ पे जाके आप जिस आइकन को चाहें टास्क बार पे अपियर कर सकते हैं और जिसको चाहें डिसअपियर कर सकते हैं। अगर आप ऑलवेज ऑन कर देंगे तो ये सारे आइकन जो हैं ऑन होके जितने एक्टिवेट एप्स हैं वो सब नजर आने लग जाएंगे। और अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो जिसको चाहें आप ऑन करेंगे वो नजर आएगा, जिसको चाहें आप ऑफ करेंगे वो नजर नहीं आएगा। जैसे मैं पावर का स्विच चाह रहा हूँ, वॉल्यूम का स्विच चाह रहा हूँ, नेटवर्क का चाह रहा हूँ नहीं चाह रहा हूँ, या इसमें से गूगल क्रोम का ऐप चाह रहा हूँ नजर आए या VLC का ऐप नजर आए, तो इनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, मेरी च्वाइस है। ऐप ऑब्वियस का नजर आए ना आए यहाँ पे नजर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, बैक करके पीछे आ जाएंगे। और ट्रन सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ, तो यहाँ पर सिस्टम आइकन्स जो है ये नजर आ रहे हैं आपको, डेट टाइम इंग्लिश लोकेशन वगैरह, लोकेशन का आइकन भी नजर आए यहाँ पर, एक्शन सेंटर भी नजर आया आपको यहाँ पर, टास्क बार, टच पैड, मीट नाउ, तो ये सारे आइकन्स आपको नजर आने लग जाएंगे। आप इनमें से जो आइकन नहीं चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल इनपुट इंडिकेटर नजर ना आए, लोकेशन का आइकन नजर ना आए, एक्शन सेंटर नजर ना आए और मीट नाउ का भी नजर ना आए, माइक्रोफोन चलो आ रहा है नजर ठीक है, टच पैड का आइकन नजर ना आए, विंडोज इंक वर्कस्पेस का आइकन नजर ना आए और टच कीपैड का भी आइकन नजर ना आए, तो इस तरह से इन आइकन्स को हम यहाँ से डिसअपीयर कर सकते हैं। फिर ये सारे आइकन्स आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ से भी इनको हम सबको भी ऑफ कर सकते हैं और जिसको चाहें उसको भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। शो न्यूज एंड इंटरेस्ट में आइकन और टेक्स्ट दोनों ही दिखाए, ठीक है। ये हम आइकन देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ आइकन भी कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ देखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टार्ट के बाद टास्क बार से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स।